हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक वेलकम टू वीडियो खजाना इस वीडियो खजाने चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है सो so फ्रेंड्स अभी तक अगर आपने हमारा वीडियो खजाना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले फ्रेंड्स इस वीडियो खजाने चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले टाइम पर आपको एजुकेशनल वीडियो मोटिवेशनल वीडियो टेक्निकल वीडियो जर्नी वीडियो एंड किचन रेसिपी वीडियोस एन टाइप ऑफ कैटेगरी ऑफ एन नंबर ऑफ वीडियोस ऑफ सिलेक्टेड वीडियोस आपको टाइम पर डिलीवर होते रहेंगे और हाँ दोस्तों बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा क्योंकि जब भी अगर आप बेल आइकन पर क्लिक करते हैं तो आपको हमारे न्यूली अपडेटेड वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट क्लास चैप्टर प्रोग्रेशन फ्रेंड्स हम आपको थोड़ा इंट्रोडक्टिव पार्ट के बारे में बताते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का इंट्रोडक्टिव पार्ट जो है वी ऑब्जर्व ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लिस्ट ऑफ द नंबर इज सेट टू अ फॉर्म ऑफ एन एपी कोई भी नंबर की जो लिस्ट है उसको हम कब कह सकते हैं कि इट इज इन फॉर्म ऑफ एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसकी कुछ कंडीशन होती हैं वो हम आपको बताने जा रहे हैं लिस्ट ऑफ द नंबर्स गिवन ब्लो वन टू थ्री फोर फाइव एंड लास्ट टर्म दैट इज सेवन

यहां पर कोई सी भी दो टर्म कन्जीक्यूटिव कंगजीक्यूटिव मतलब लगातार फोर या फिर फाइव या फिर सिक्स या फिर फाइव या फिर फोर या फिर थ्री कोई भी दो नंबर सेंटर से या लास्ट बट वन से कहीं से भी दो नंबर उठाएं और उनको आप आपस में बड़ी डिजिट से स्मॉल डिजिट को आप माइनस करें माइनस करने पर जो वैल्यू आती है उसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस अगर ये फिक्स्ड है कॉमन डिफरेंस तो, तो हमारी ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज है चलिए इसको हम और इलाबोरेट करते हैं आगे नीचे पढ़ते हैं कि किस प्रकार से हम पहचानते हैं कि वो वो सीरीज हमारी जो है वो प्रोग्रेशन है या नहीं इन एपी नोट फर्स्ट टर्म दैट इज ए वन सेकेंड टर्म ए टू थर्ड टर्म ए थ्री फोर्थ टर्म ए फोर एंड फिफ्थ टर्म ए फाइव और जो आखिरी आखिरी की जो टर्म होती है उसको हम बोलते हैं एंथ एंथ टर्म द सो फ्रेंड्स एंड लास्ट में सेवन पास जो, जो सीरीज का जो आखिरी जो नंबर था उसको हम सेवन बोल देंगे क्योंकि वो आखिरी सीरीज का आखिरी नंबर है जो कि गिवन गिवन है कई सीरीज में आखिरी नंबर नहीं होता है चलिए हम और आगे बढ़ते हैं इसको समझने के लिए डीप अंडरस्टैंडिंग से सो दे पी बिकम्स ए वन ए टू एन ए फोर एन ए फाइव आखिरी टर्म दैट इज एम सो द दर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट उसको हम डिफाइन कैसे करेंगे बहुत सिंपल मेथड है दोस्तों उसके बाद वाली जो टर्म आएगी उसके अंदर एक फिक्स नंबर को जोड़ दिया जाएगा और उससे एक नई टर्म ऑप्टेन होगी इस प्रकार से वो फिक्स नंबर नेक्स्ट टू नेक्स्ट टर्म में एड होता चला जाता है और हमारी सीरीज बनती चली जाती है तो उसका मतलब वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की फॉर्म में वो सीरीज लाई कर रही है सो फिक्स टर्म बहुत क्लियरली क्लियर सी बात है अ कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी, इट कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो द जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी गिवन बिलो ए ए प्लस डी ए प्लस टू डी ए प्लस थ्री डी ए प्लस फोर डी अप टू एंथ में जो आखिरी जो टर्म है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी फ्रेंड्स ए वन ए होता है जो कि फर्स्ट टर्म है ए टू सेकेंड टर्म ए प्लस डी से हम उसको ए हमारा वही फर्स्ट ए आ जाएगा फर्स्ट टर्म का आ जाएगी ए प्लस थ्री डी एंड ए फाइव जो फिफ्थ जो टर्म होगी ए प्लस फोर डी और अल्टीमेटली लास्ट में ए एन जो होगा ए प्लस एन माइनस वन डी फ्रेंड्स कॉमन डिफरेंस जो होगा दैट इज ए टू मीन्स जो बड़ी वाली जो टर्म है उसको हम लेस करेंगे स्मॉल टर्म से रेस्पेक्टिवली नेक्स्ट में देखेंगे हम थ्री को टू से वापस ए फोर ए थ्री से अगर हम ये चेक करेंगे कि हमारा जो डी है क्या वो फिक्स आ रहा है या नहीं आ रहा है अगर वो डी रिमेन द सेम बिटवीन द सप्रैक्शन ऑफ टू टर्म तो हमें पता लग जाएगा कि वो हमारी जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है वो बिल्कुल करेक्ट है और वो हमारी फाइनाइट है फाइनाइट हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को कैसे बताते हैं फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म एंड इट हैज अ लास्ट टर्म किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जो सीरीज है उसका अगर लास्ट टर्म अगर डिफाइंड है इट मींस इट इज एन फाइनाइट एपी सो फ्रेंड्स कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है एपी वो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्योंकि कॉमन डिफरेंस उसमें मौजूद है और उसी के बेसिस पर डिफरेंस डी अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कंफर्म ये करना है कि वो फाइनाइट है या infinite है. फाइनाइट की सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है it has a last term given. तो पर eight last term given थी. Finite series हो गई है हमारी. Finite AP. अब हम बात करते हैं इनफाइनाइट की इनफाइनाइट एपी ऑफ अ टर्म एंड इट डज नॉट है लास्ट टर्म फ्रेंड्स यहां पर जो ध्यान देने वाली बात यह है कि इनफाइनाइट एपी

common difference between any two consecutive term is the same so it is an ap bahut simple si baat hai consecutive term ke difference ko antar ko hum agar wo common hota hai definitely friends to wo hamari arithmetic progression series hai like an example 1 2 3 4 5 6 7 8 Two, four, six, eight, ten. That is odd series. One, three, five, seven, nine, eleven. That is even. That is even. That is odd series. And upper valley. जो सेकंड नंबर की है वो हमारी ऑड इवन सीरीज है और थर्ड नंबर की हमारी जो है वो ऑड सीरीज है लेकिन डिफरेंस जो है दोनों के बीच में वो कॉमन है प्लस टू इज दैट दैट इज 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 तो द कॉमन डिफरेंस बिटवीन द टू टर्म सो कॉमन डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंजीक्यूटिव टर्म इज नॉट सेम इट इज नॉट एन ए पी अगर हमारा डिफरेंस सेम नहीं होगा तो वो हमारी एपी नहीं होगी फ्रेंड्स बहुत क्लियर सी बात है मैं फिर रिपीट कर रहा हूं अगर डिफरेंस बिटवीन द टर्म इज नॉट सेम मींस इट इज नॉट एन एपी चलिए हम आगे बढ़ते हैं जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी गिवन ब्लो ए प्लस ए प्लस डी ए प्लस टू डी ए प्लस थ्री डी ए प्लस फोर डी एट द एंड ऑफ द टर्म दैट इज ए एन इज इक्वल टू if an AP with the first term A and common difference D, the nth term or a general form, general term is given by an equal to A plus n minus 1 D. So friends, बहुत clearly में हमने इसको बता दिया है आपको. चलिए अब हम ये check करते हैं. अगर कोई AP दे रखी है तो उसका sum कितना होगा? First sum of the first n term of an AP given below. उसका जो formula है, S is equal to n upon 2 ब्रैकेट स्टार टू ए प्लस एन माइनस वन थोड़ा सा इस फॉर्मूले को और हम इलाबोरेट करते हैं और खोलते हैं एक बार तो सम इज इक्वल टू एन अपॉन टू प्लस ए प्लस ए एन माइनस वन फ्रेंड्स a प्लस एन माइनस वन हमें पता है ए एन हमारा होता है तो हम उस वैल्यू को यहां पुट करते हैं s इज इक्वल टू एन अपॉन फ्रेंड्स एन टर्म ऑफ एन ए पी देन ए एन अगर हम ये मान लेते हैं कि जो एंथ जो टर्म है वो हमारी आखिरी टर्म है और वो आखिरी टर्म गिवन है दैट इज एल एल इज द लास्ट टर्म ऑफ अ फाइनाइट एपी तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा एस इज इक्वल टू एन अपॉन टू ब्रैकेट ए प्लस एल सो फ्रेंड्स दिस इज द अल्टरनेट फॉर्मूला सम ऑफ द फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर इज गिवन बाय एस इज इक्वल टू एन ब्रैकेट एन प्लस अपॉन टू सो फ्रेंड्स इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा जो भी क्वेश्चंस इसके बाद हम जो आपको डिफाइन होगा उसके एंड में आप जरूर देखें उसमें आपको एंड स्क्रीन ऑप्शन दिखेगा एंड स्क्रीन पे आप जो क्लिक करते हैं तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन प्ले होगा इसी प्रकार से आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें सो दिस आर ऑल द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ दिस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फ्रेंड्स वीडियो को जब आप एंड तक देखेंगे तो लास्ट में आपको ये स्क्रीन मिलेगा

updated educational video technical videos par available rehenge. so friends tak subject mass class 10 chapter 5 arithmetic progression exercise 5.3 question number 17 solution video by video Khazana. so friends according to question number 17 in a school the students thought of planning tree in and around the school to reduce air pollution. It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class in which they are studying example a section of class first will plant one tree section of second class will plant a second tree and so on till class 12th. There are three, सेक्शन ऑफ इच क्लास सो फ्रेंड्स हाउ मेनी ट्री विल बी प्लांटेड बाई दें क्वेश्चन बहुत क्लियरली गिवन है हमें स्टूडेंट्स को प्लांट लगाने होंगे और हर क्लास को लगाने हैं और हर क्लास के अंदर थ्री सेक्शंस हैं

Second class planted tree by the three section two into three is is equal to six. Third class planted tree by three section three into three is equal to nine. Fourth class planted tree by the three section that is four into three is equal to twelve. So friends and so on. So finally the twelfth class planted the tree by the three section twelve into three is equal to thirty six. So the list of an AP is here start the three six comma nine comma twelve up to thirty six. So the first term a1 equal to 3, second term a2 is equal to 6, third term a3 is equal to 9. So the common difference that is a2 minus a1 means 6 minus 3 that is 3. So the nth term n is equal to 12 and the last term that is 36. So some of the 12th term means the tree planted by the student that is as 12.

A equal to 3, definitely humne 3 lagadia. Last term that is 36. 36 plus 3 that is 39. 12 divided by 2, that is 6. So 6 and 2, 39, that is as 12 is equal to 234. Number of the trees planted by the students are 234. Conclusion is the 234 trees are planted by the students. चलिए फ्रेंड्स ओके okay, फ्रेंड्स अगर आपको इस वीडियो खजाने के माध्यम से इस क्वेश्चन का सोल्यूशन अगर आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया हो तो फ्रेंड्स हमारे इस वीडियो खजाने चैनल को लाइक करें डेफिनेटली डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर सो फ्रेंड्स don't go away stay tuned with us we will get back to you next video so till then keep watching keep learning and keep smiling thanks for watching goodbye